फाइनल ईयर में पहुंचते पहुंचते लॉ स्टूडेंट्स को इस बात की टेंशन होना शुरू हो जाती है कि लॉ फाइनल करने के बाद प्रैक्टिस करने का क्या प्रोसेस होता है। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लॉ करने के बाद प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, अपने आप को इनरोल कैसे कराना होता है और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने का क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए BLLB या LLB फाइनल करने के बाद आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को बार काउंसिल में सबमिट करना होता है। आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 10, 12 की मार्कशीट्स, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स और LLB की ओरिजिनल मार्कशीट्स बार काउंसिल में सबमिट करनी होती है। वहां पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है जो कि लगभग 3 से 6 डेज का होता है और वो प्रोसेस खत्म होने के बाद आपकी ओरिजिनल मार्कशीट्स को बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है। इससे आपका इनरोलमेंट बार में हो जाता है। एक बार जब आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोलमेंट हो जाता है तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपको 2 साल का टाइम दिया जाता है AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक एग्जाम है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप क्वालिफाइड हो जाते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसकी वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका रोल नंबर, आपके एग्जामिनेशन की डेट, टाइम, वो सब आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है। उसके बाद आपको सेंटर चूज करना होता है कि आप कहां पर एग्जाम देना चाहते हैं। आप जो भी सेंटर चूज करते हैं उस सेंटर पर आपको उसी डेट को जाना होता है एग्जाम देने के लिए। AIBE का जो एग्जाम होता है ये ओपन एग्जाम होता है, मतलब इसमें आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी बुक्स लेकर के वहां जा सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। उन ऑप्शंस में से आपको किसी एक ऑप्शंस को चूज करना होता है। ये बिल्कुल CCC के एग्जाम की तरह होता है। जैसे कि CCC का एग्जाम अगर आपने दिया है तो आपको पता होगा कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपको 4 मौके मिलते हैं। अगर आप एक बार क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप तीसरी बार और उसके बाद आप लास्ट चौथी बार आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 4 बार में भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जिनकी हेल्प से आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी लॉ बुक स्टोर पर जाकर के वहां से कोई भी अच्छी बुक परचेज कर सकते हैं जो कि AIBE का एग्जाम क्लियर करने में आपकी काफी हेल्प करती है। जब आप एक बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको राइट मिल जाता है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस स्टेट में भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसी स्टेट के बार काउंसिल में आपको अपने आप को इनरोल कराना होता है। अगर आप किसी अदर स्टेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको अपने उस इनरोलमेंट को ट्रांसफर कराना होता है किसी अदर स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, आपने उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल में अपने आप को इनरोल कराया हुआ है और उसके बाद अगर आप दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको अपने इनरोलमेंट को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में ट्रांसफर कराना होता है, उसके बाद आप दिल्ली में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से आप इंडिया के किसी भी स्टेट में अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको अपने इनरोलमेंट को उधर ही ट्रांसफर कराना होता है। सो अगर आप LLB या BLLB करने के बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने स्टेट के बार काउंसिल में इनरोल कराना होता है, उसके बाद आपको AIBE का एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं।